हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ सभी फिट होंगे। प्यारे बच्चों, पेपर लीक सीरीज में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैंने प्रीवियस 3 चैप्टर्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको करा दिए हैं और आज की वीडियो में हम लोग फिर से एक चैप्टर का पेपर लीक करने वाले हैं और उस चैप्टर का नाम है पॉलिनोमियल। अगर आपको पॉलिनोमियल से थोड़ा सा भी डर लगता है ना, तो आज का वीडियो देखने के बाद वो जो डर है वो पॉलिनोमियल के क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद आपको एंजॉयमेंट पे चेंज हो जाएगा। जो पहले डर लगता था क्वेश्चन को देख करके ना, अब से आपको मजा आने लगेगा। मैं बेसिक से लेकर के एडवांस लेवल तक के सारे क्वेश्चन कराने वाला हूँ आज के वीडियो में, जिसमें मैं जो क्वेश्चन कराऊंगा ना वो मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेंगे। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर आएंगे, देखना इनमें से क्वेश्चन जरूर फंसेगा। और अगर क्वेश्चन को टीचर चेंज भी करता है तो केवल नंबर चेंज होंगे, बाकी जो पैटर्न रहेगा इसी पैटर्न से क्वेश्चन आने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आता है, जैसे पिछले वीडियोस का आपने शेयर किया ना अपने फ्रेंड्स के साथ बहुत ज्यादा, उसी तरीके से आज की वीडियो भी शेयर कीजिएगा, ताकि मैं इसी तरीके के जो बाकी के चैप्टर्स है ना उनकी के वीडियोस भी जो है ना बनाते रहूं। जब आप मुझे मोटिवेट करेंगे कमेंट करके बताइएगा कि कौन से चैप्टर का सर वीडियो चाहिए, तो फिर मुझे भी मजा आता है वीडियोस बनाने में। तो आप मुझे मोटिवेट कीजिए शेयर करके, लाइक करके, कमेंट करके, और मैं आप लोगों को इसी तरीके से गाइड करूंगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में सारे चैप्टर के आपके सामने लेकर के आता रहूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो, और जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो देखते हैं किस तरीके से बनेगा। अच्छा, क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले इसको भी देख लो भाई, अगर आपको पूरे चैप्टर्स का, अगर आपके पास टाइम बहुत कम है, तो मैंने अपने अंतिम बैच में सारे के सारे सब्जेक्ट्स के बहुत सारे चार चार सैंपल पेपर अपलोड कर दिए हैं। आप सैंपल पेपर सॉल्व कर सकते हो, वहां जाकर के बहुत सारी स्टडी मटेरियल मैंने अपलोड कर दिए हैं, और उससे ज्यादा कह लो कि हमने वहां पर हर चैप्टर्स का क्लास जो है लाइव क्लास ना उसका रिकॉर्डेड अवेलेबल कर दिया है नोट्स के साथ। तो जो क्वेश्चन मैं ये YouTube में करा रहा हूँ ना, इससे 10 गुना ज्यादा बेनिफिशियल आपको वहां पर अंतिम बैच में लगेगा। और अंतिम बैच में अभी भी ये ऑफर चल रहा है, तो आप इस ऑफर को अभी भी लाभ उठा सकते हो। जो हमारा 1500 का बैच है वो केवल आपको 299 में मिलने वाला है, तो वो बैच भी आप जरूर ज्वाइन कीजिए। उसके में आपके डाउट भी जो है ना वो सारे के सारे क्लियर हो जाएंगे। आपको उन वीडियोज को जरूर देखना चाहिए हमारे अंतिम बैच में, उसका जो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया हमारे एप्लीकेशन का, अब एप्लीकेशन से अंतिम बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। अब आते हैं अपन क्वेश्चन के पास, और क्वेश्चन में देखते हैं कि क्या क्या दिया हुआ है। तो सबसे पहले वेरीफाई दैट, आपको वेरीफाई करना है कि 1 एंड 2 आर द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल पी एक्स एक्स स्क्वायर माइनस में 3x+2, यानी कि 1 और जो 2 है वो इस पॉलिनोमियल के जीरो है। तो देखो, कई बार जीरो वर्ड भी लिखा हुआ रहता है, कई जगह पे रूट भी लिखा हुआ रहता है, दोनों का मतलब सेम ही है। आपको बस ये चेक करना है कि अगर आप 1 का वैल्यू यहाँ पर रख रहे हो ना एक्स के बदले में, तो हमारा जो आंसर है वो जीरो होना चाहिए। अगर आंसर जीरो हो गया, इसका मतलब कि हमारा जो 1 है वो इस वाले पॉलिनोमियल के लिए जीरो का काम करेगा। जैसे ही मैं आपको सॉल्व करना सिखाता हूँ, सबसे पहले आप इस तरीके से लिखोगे सॉल्यूशन में कि हमारे पास दिया क्या गया है, जो पॉलिनोमियल है उसका नाम दिया हुआ है पी एक्स, और इसकी जो वैल्यू है वो है एक्स स्क्वायर माइनस में 3x एंड +2। ठीक है, आपको सबसे बोल रहा है कि पहले 1 को चेक करना है, तो आपको कुछ नहीं करना है, जहां पर x है ना वहां पर 1 लिख देना है। तो अगर आप x के बदले में 1 लिखोगे तो ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस में 3 × 1 एंड +2। और इसको जब आप चेक करते हो सॉल्व करके, तो 1 का स्क्वायर 1 हो जाता है, माइनस का 3 हो जाता है, और प्लस का 2 हो जाता है। तो +2 और +1 = 3 हो गया, और ये माइनस का 3 है ही, इक्वल टू साइड में 0 आ जाएगा। यानी कि जब हम लोग एक्स का वैल्यू 1 यहाँ पर पुट कर रहे हैं, तो हमारा आंसर कितना आ रहा है, 0 आ रहा है ना। इसका मतलब कि 1 जो होगा हमारा इस पॉलिनोमियल के लिए 0 का काम करेगा, यानी ये 0 कहलाएगा इस पॉलिनोमियल का। उसी तरीके से आपको दूसरे साइड भी चेक करना है, 2 भी चेक करने के लिए बोला गया था। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, अब कि जो पी एक्स था ना वहां पर एक्स के बदले इस बार 2 पुट कर देना है, क्योंकि 2 भी चेक करना था अपने को, यानी कि वेरीफाई करना है। तो ये हो जाएगा आपका 2 का स्क्वायर माइनस में 3 × 2, एक्स के बदले में जहां जहां एक्स आ रहा है वहां पर 2 कर दो, और प्लस में 2 आ जाएगा। तो ये हो गया आपका 2 × 2 = 4, माइनस में 3 × 2 = 6, एंड प्लस का ये जो 2 उतर गया, 4 और 2 हमारा फिर से 6 हो जाएंगे, और ये माइनस का 6 आ गया, सो इक्वल टू यहाँ भी 0 आ गया। तो लास्ट में आप लिख दीजिएगा कि हाँ भैया, हमने चेक कर लिया कि हमारा जो 1 है एंड जो हमारा 2 है, 1 एंड 2 आर जीरोस, ये क्या हमारे, ये जीरोस हैं। किसके लिए भैया? तो ये जो पॉलिनोमियल हमको दिया हुआ था पी एक्स के लिए, तो आर जीरोस ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। तो इस तरीके से आपको चेक करना रहता है, ठीक है। आपको केवल वैल्यू को पुट करना है और ये देखना है कि हमारा आंसर 0 आ रहा है कि नहीं आ रहा। अगर आंसर 0 आ गया तो समझ जाइए कि वो जो है, यानी कि जो नंबर्स हमें दिए हुए हैं वो उस पॉलिनोमियल के लिए रूट का काम कर रहे हैं। रूट भी कर सकते हो और जीरो भी कर सकते हो, ओके। तो रूट अगर एग्जाम में आएगा तो कंफ्यूज मत होना ना, रूट एंड जीरोस आर द सेम थिंग्स। अब चलते हैं अगले टाइप के क्वेश्चंस के पास, जो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखो, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ना एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए। जैसे आप लोग ट्रायंगल्स के नाम पढ़े हो ना पिछले क्लासेस में, कि ट्रायंगल को 2 टाइप से नाम दिया जाता है, एक उसके एंगल के हिसाब से नाम देते हैं और एक उसके साइड के हिसाब से नाम देते हैं। जैसे कि एंगल के हिसाब से राइट एंगल वाला ट्रायंगल हो जाता है, साइड के हिसाब से हमारा इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया, आइसोस्केल ट्रायंगल हो गया, तो अलग अलग टाइप से नाम दिया जाता है। उसी तरीके से जो हमारे पॉलिनोमियल्स होते हैं उनको भी 2 तरीके से नाम दिया जाता है। एक उनके पावर के हिसाब से नाम देते हैं, कि अगर सिंगल पावर है हमारे पास तो लीनियर इक्वेशन होगा,
अगर हाईएस्ट पावर 2 है तो उसको हम बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। उसी तरीके से हमारे पास अगर टर्म्स के हिसाब से नाम लिखना रहे तो टर्म्स के हिसाब से उसको बोला जाता है मोनोमियल, बायनोमियल, ट्राइनोमियल, इस तरीके से। अब मोनोमियल में क्या होता है कि एक सिंगल टर्म होगा, बायनोमियल में हमारे पास दो टर्म्स होंगे, ट्राइनोमियल में हमारे पास तीन टर्म्स होते हैं, ठीक है। डिग्री किसको बोलते हैं, तो डिग्री बोलते हैं उसकी हाईएस्ट पावर को। जैसे फॉर एग्जांपल पहला क्वेश्चन करूंगा तब आपको अच्छे समझ में आएगा। इसमें से बोल रहे हैं कि एक एग्जांपल बताइए जिसमें मोनोमियल जो हो यानी कि सिंगल टर्म हो और जो डिग्री है वो 5 है। बहुत ही आसान है, आपको बस एक एक्स लिख देना है, एक्स वाई जेड कुछ भी लिख सकते हो, मेरे को एक्स पसंद है, मैं एक्स लिख देता हूँ यहाँ पर, एक्स के पावर में बस 5 कर दो। ये हमारे पास क्या हो गया, एक मोनोमियल हो गया जिसकी हाईएस्ट पावर कितनी है, 5 है, यानी कि इसकी डिग्री जो है 5 हो गई, खत्म खेल। दूसरा क्वेश्चन में बोल रहे हैं कि बायनोमियल बताइए जिसकी डिग्री 8 हो, तो बायनोमियल में कितने टर्म्स होते हैं, दो टर्म्स होते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका एक्स के पावर में 8 और प्लस में वाई, इस तरीके से लिख दो, दो टर्म्स हो गए, है ना। और यहाँ पर हमारे पास जो हाईएस्ट पावर है वो 8 हो गया, तो दो टर्म होने चाहिए। बीच में ये ध्यान रखना कि प्लस और माइनस साइन जरूर लगाना, जब टर्म्स को हम अलग करते हैं ना तो वहां पर ये तो प्लस ही साइन लगाते हैं या तो माइनस ही साइन लगाते हैं, तब वो दो अलग अलग टर्म्स कहलाते हैं। अगर मैं यहाँ पर बीच में मल्टीप्लाई या डिवाइड के साइन लगा दूं तो वो सिंगल टर्म हो जाएगा। जैसे एक्स प्लस वाई जब हम लोग लिखते हैं तो वो एक्स प्लस वाई अलग रहता है, यानी कि वो अलग अलग रहता है, लेकिन जब आप एक्स मल्टीप्लाई वाई लिखते हो ना तो वो एक्स वाई बन जाता है, सिंगल टर्म हो जाता है। तो जब हम लोग को बायनोमियल बोले, ट्राइनोमियल बोले ना, तो आप बीच में प्लस माइनस के साइन जरूर लगा देना। फिर इसके अलावा और भी बहुत कुछ हो सकता है, जैसे कि मान लो, या फिर मैं लिख देता हूँ वाई के पावर में 8 प्लस में 2, ये भी क्या होगा हमारे पास एक बायनोमियल होगा जिसकी डिग्री 8 होगी। बायनोमियल यानी कि दो टर्म्स हो गए और हाईएस्ट पावर 8 हो गया, यानी कि डिग्री इसकी 8 हो गई, इस तरीके से बनाओ। थर्ड क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, गिवन एन एग्जाम्पल ऑफ अ ट्राइनोमियल ऑफ डिग्री 4, यानी कि एक ट्राइनोमियल लिखना है जिसकी डिग्री 4 हो। तो तीन टर्म्स करने हैं बस अपने को, और कुछ नहीं करना है। तो तीन टर्म्स के लिए अलग अलग टर्म कर देते हैं अपन, एक लिख देते हैं एक्स, फिर माइनस लगा करके लिख देता हूँ वाई, प्लस लगा करके लिख देता हूँ जेड, ठीक है। आप एक्स भी यूज कर सकते हो, जरूरी नहीं कि मैं अलग अलग कर रहा हूँ तो आप भी अलग अलग करो, आप यहाँ पर एक्स ही लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, गलत नहीं कहलाएगा वो, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर भी एक्स, यहाँ पर भी एक्स, ऐसे भी आ सकता है। जैसे कि दूसरा एग्जाम्पल समझता हूँ, पहले तो इसी को बना लेते हैं फिर एक और एग्जाम्पल समझेंगे। एक्स वाई जेड हमने तीन टर्म्स कर लिया, और क्या बोला था भाई, ट्राइनोमियल होना चाहिए, तीन टर्म हो, ट्राइनोमियल डिग्री 4 हो, तो कहीं पर भी आप 4 लगा दो। जैसे शुरू में भी 4 लगा सकते हो, बाद में 4 लगा सकते हो। मान लो मेरा मन है कि यहाँ पे 2 लगा देता हूँ, वाई को मैं 4 दे देता हूँ और जेड को मैं 3 दे देता हूँ, तो ये हमारे पास क्या हो गया, ट्राइनोमियल हो गया जिसकी जो डिग्री है वो हमारी कितनी हो गई, 4 हो गई, ऐसे कर सकते हो आप लोग, ठीक है। उसके अलावा और क्या लिख सकते हैं ट्राइनोमियल में हम लोग, तो यहाँ पर मान लो मैं एक्स रिलेट करके बना देता हूँ कि सभी में अगर आप एक्स लिखते हो तो एक्स के पावर में 1 में 4 कर दो, प्लस में एक्स के पावर में 2 कर दो, माइनस में एक्स से पावर में 1 कर दो, या फिर प्लस ही साइन लगा सकते हो, कुछ नहीं कर सकते हो। तो ये भी हमारा क्या हो गया, ट्राइनोमियल हो गया जिसकी हाईएस्ट पावर कितनी है, तो 4 है। तो ऐसे भी किया जा सकता है, ठीक है। अब यहाँ पर आप लोग देखना कि ये जो हमने लिखा है ना, ये वेरिएबल्स कहलाते हैं, एक्स वाई जेड जो है ये वेरिएबल्स कहलाते हैं, यानी कि आपके पास अगर तीन टर्म है तो ये तीन वेरिएबल हो गया, और ये जो सिंगल टर्म लिखते हो ना तो इसको सिंगल वेरिएबल यानी कि वन वेरिएबल वाला कहा जाता है, ठीक है। अगर दो टर्म्स लिखते हो, एक्स और वाई लिखते हो, तो ये हमारे पास लीनियर इक्वेशन विथ टू टर्म्स होते हैं। वैसे लीनियर तो है नहीं है, हमारे पास हाईएस्ट पावर 8 है, तो यानी कि यहाँ पर हमारे पास दो वेरिएबल्स कहलाते हैं, ठीक है। तो ये सब वेरिएबल्स है, उससे आपको नहीं ध्यान देना है, आपको बस ये ध्यान देना है कि तीन अलग अलग टर्म्स होने चाहिए, बीच में प्लस या माइनस की साइन लगी होनी चाहिए, बस ये ध्यान रखना है। और हाईएस्ट पावर किसी न किसी एक का जो हाईएस्ट पावर हो वो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हो। अगर क्वेश्चन में 4 बोल रहा है तो 4 होना चाहिए हाईएस्ट पावर कहीं ना कहीं पे, जैसे यहाँ पर हमने दिया। अगर क्वेश्चन में 8 बोल रहा है तो हमने हाईएस्ट पावर यहाँ या फिर यहाँ पर 8 दे दिया। अगर क्वेश्चन में हाईएस्ट पावर डिग्री का मतलब होता ही हाईएस्ट पावर, वो 5 बोल रहा है तो हमने 5 लिख दिया। अब एक लास्ट क्वेश्चन देखो, गिव एन एग्जाम्पल ऑफ मोनोमियल ऑफ डिग्री 0। अब बताओ यहाँ पर कि ऐसा कौन सा मोनोमियल है जिसकी डिग्री 0 होगी। तो देखो भाई, कभी भी अगर हमारे पास कोई नंबर वाला पॉलिनोमियल है ना, तो उसको डिग्री 0 ही कहा जाता है। जैसे कि मान लो हमने लिख दिया 4, ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन नंबर भी 4 था, इसी को 4 बना देता हूँ, रुको, ये क्वेश्चन नंबर 4 था, हमने लिख दिया 4। तो 4 जो है ना वो एक मोनोमियल है जिसकी डिग्री कितनी है, जिसकी डिग्री हमारी 0 है। अब बोलोगे सर इसकी डिग्री 0 कैसे हो गई, यहाँ पर तो कोई एक्स वाई जेड है ही नहीं। हम लोग क्या जानते हैं, डिग्री क्या होता है ना, जो एक्स वाई जेड है यानी कि जो वेरिएबल है उसके हाईएस्ट पावर को डिग्री कहते हैं। तो अगर हमने 4 लिखा है, इसका मतलब कि हम लोग इसके साथ में और क्या लिख सकते हैं, हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं कि जो 4 है उसका मल्टीप्लाई हो जाएगा एक्स के पावर में 0 से। अब एक्स के पावर में 0 से हम क्यों मल्टीप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि जब 4 का एक्स के पावर 0 से मल्टीप्लाई होगा तो एक्स के पावर में 0 का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। किसी भी नंबर के पावर में 0 रहेगा तो उसका वैल्यू 1 हो जाता है। तो यहाँ पर 4 का 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 4 ही आ जाएगा, यानी कि जो 4 है वो क्या है, हमारे पास एक मोनोमियल है ना, यानी कि एक सिंगल टर्म है जिसकी डिग्री कितनी, 0 है। उसी तरीके से कोई भी नंबर ले लो आप लोग, 1 2 3 4 5 6, 0 छोड़ करके ना, 0 एक 0 पॉलिनोमियल होता है, वो अलग चीज होता है, 0 इज 0 पॉलिनोमियल, उसकी डिग्री नॉट डिफाइन होती है, ओके। तो यहाँ पर अगर हमारे पास दिया हुआ है कि एक मोनोमियल लिखिए जिसकी डिग्री 0 हो, तो आप कोई भी नंबर लिख देना, प्लस वाला, माइनस वाला, रूट वाला,
एक्स वाई जेड वहां पर मत लिखना साथ में, ये तो बस मैं आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ। बस मैंने आपको ये समझाया कि इसकी डिग्री जीरो क्यों होती है, यानी कि जब हम लोग फोर लिखे तो हम फोर की डिग्री जीरो क्यों बोलते हैं, उसका ये रीजन है कि क्योंकि फोर को हम लोग मल्टीप्लाई एक्स की पावर में जीरो लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई वाई की पावर में जीरो लिख सकते हैं, क्योंकि इसका जो वैल्यू होगा वो वन हो जाएगा और फोर बन जाए फोर हो जाएगा। तो ये कुछ बेसिक चीजें हैं, इसी को मैंने बहुत डिटेल में अंतिम बैच में समझाया है, बहुत ज्यादा डिटेल में, हमने बहुत सारे वहाँ पे क्लासेस किए तब जाकर के बच्चों को ये चीजें अच्छे से समझ में आई है। बाकी आई होप आपको यहाँ पर भी समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अब हम लोग अगले टॉपिक के पास बढ़ते हैं, अगला जो क्वेश्चन उससे बनाते हैं बच्चों के लिए सबसे कंफ्यूजिंग क्वेश्चन कि कौन सा गिवन में हमारा पॉलिनोमियल है और कौन पॉलिनोमियल नहीं है। बहुत ही आसान होगा, अभी आपको मैं तुरंत समझा दूंगा। देखो इसमें क्या बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन इज अ पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, इनमें से कौन सा पॉलिनोमियल है जिसकी वन वेरिएबल भी है। तो सबसे पहले तो समझ लेना पॉलिनोमियल के लिए आपको क्या करना है ना, कि हमारा जो डिग्री हो यानी कि जो एक्स वाई जेड हो ना, वो डिनोमिनेटर में ना हो, उसकी हाईएस्ट पावर जो है वो न्यूमिनेटर में होनी चाहिए, वो निगेटिव नहीं होनी चाहिए, वो हमारी पॉजिटिव होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अगर एक्स के पावर में वन लिखा हुआ है तो ये हमारा पॉलिनोमियल होगा, एक्स के पावर में जीरो लिखा हुआ है तो ये भी हमारा पॉलिनोमियल होगा, लेकिन अगर हमारे पास एक्स के पावर में माइनस वन लिख दिया गया तो ये हमारा पॉलिनोमियल नहीं होगा। हमारा माइनस में नहीं होना चाहिए डिग्री, माइनस में या फ्रैक्शन में, माइनस में भी होना चाहिए डिग्री, फ्रैक्शन में होना चाहिए। नॉर्मल नंबर जो आप लोग बोलते हो, इसको रैशनल नंबर बोल सकते हैं, नहीं रैशनल नंबर मत बोलो, इसको आप लोग होल नंबर बोल सकते हो। ठीक है, होल नंबर भी नहीं बोल सकते यार, होल नंबर में तो जीरो भी इंक्लूड हो जाए। अच्छा जीरो तो ले सकते हैं, जीरो ले सकते हैं, तो वन टू जीरो इस तरीके से जो नंबर है ये आप लोग लिखना है, हाईएस्ट पावर में ये होना चाहिए, तो फिर वो हमारा पॉलिनोमियल कहलाएगा। ठीक है, माइनस नहीं होना चाहिए ये बस दिमाग में बैठा लो, और फ्रैक्शन नहीं होना चाहिए। माइनस और फ्रैक्शन अगर आपको दिख रहा है कि एक्स वाई जेड किसी के साथ भी माइनस या फ्रैक्शन है, तो समझ जाना कि वो क्या है भैया, हमारा पॉलिनोमियल नहीं है। तो सबसे पहले तो आइडेंटिफाई करो कि जो हमने लिखा है ऊपर में, जो हमें ऑप्शन दिए हुए, उसमें से पॉलिनोमियल कौन सा है। तो एक्स प्लस में एक्स टू बाई एक्स है और प्लस में थ्री है। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे, मान लो एक्स प्लस में टू बाई एक्स और प्लस में थ्री को, तो भी ये जो एक्स है वो तो नीचे ही रह जाएगा, जब आप एलसीएम वगैरह ले भी लोगे तो भी एक्स नीचे आ जाएगा। और अगर मुझे एक्स को ऊपर लेकर के जाना है कंप्लीट, अगर इसको सॉल्यूशन निकालना है, तो फिर एक्स की जो पावर है वो माइनस वन हो जाएगी। आपने ये फॉर्मूला पढ़ा है ना पिछले साल, कि अगर हमारे पास ए के पावर में माइनस है ना, या फिर ए डिवाइड बाई बी है, ठीक है, ए डिवाइड बाई बी के पावर में हमारे पास पॉजिटिव वाला नंबर है या फिर प्लस वाला एन है, तो हम लोग क्या करते हैं, अगर इसको माइनस में कन्वर्ट करना रहता है तो बी को ऊपर ले जाते हैं और ए को नीचे ले आते हैं, तो ये जो माइनस है यानी जो प्लस वाला एन था वो माइनस एन हो जाता है। और उसी तरीके से अगर माइनस है तो प्लस होगा, प्लस है तो माइनस होगा, ये चीज हमने सीखा है। उसके लिए करना क्या पड़ता है, रिसिप्रोकल करना पड़ता है। तो यहाँ पर भी अगर मुझे एक्स के पावर में जो वन है, जो हमारा दिख नहीं रहा है यहाँ पर, एक्स सिंगल लिखा हुआ यानी कि पावर में वन है, ठीक है, अगर उसको मुझे ऊपर लेकर के जाना है तो वो माइनस वन बन जाएगा। और मैंने अभी भी सिखाया है कि आपका माइनस में नहीं होना चाहिए, फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए। तो इसका मतलब कि सबसे पहले तो ये हमारा पॉलिनोमियल नहीं है, क्योंकि ये हमारा डिनोमिनेटर में आपको एक्स दिख गया। उसी तरीके से दूसरे वाले में भी देखोगे तो ये तो रूट में भी आ गया, अगर रूट में आ जा रहा है तो वो ऐसे ही नहीं होगा, क्योंकि जैसे कि मान लो रूट के अंदर एक्स लिखा हुआ है तो इसका मतलब क्या होता है कि ये एक्स के पावर में वन बाई टू है। कोई भी नंबर अगर रूट के अंदर है ना, तो उसकी हाईएस्ट पावर क्या हो जाती है, हाफ हो जाती है, यानी कि उसका जो पावर है वन बाई टू हो जाता है। और अगर यहाँ पर रूट में कोई पावर दिया हुआ है, जैसे कि मान लो एक्स के रूट में हमारे को ऐसे थ्री दिया हुआ रहता, तो इसका मतलब हो जाता है कि एक्स के पावर में ये वन बाई थ्री है, तो ये क्या हो जा रहा है, सब फ्रैक्शन हो जा रहे हैं। तो यहाँ पर आप लोग देखो कि फ्रैक्शन भी हो जा रहा है, डिनोमिनेटर भी हो जा रहा है, यानी कि भी हमारा पॉलिनोमियल नहीं होगा। तीसरा वाला में देखो, ये एक्स का स्क्वायर है, ब्यारह चुपचाप से एक्स का स्क्वायर बना हुआ है, ये सिंगल एक्स है, रूट के बाहर में है, और फिर एक नंबर है, तो इसका मतलब ये होगा कि ये हमारा एक पॉलिनोमियल होगा, क्योंकि यहाँ पर हाईएस्ट पावर टू है और इसमें भी हमारा पॉजिटिव ही नंबर है, पावर में इसके पास भी वन है। लास्ट वाला में देख लेते हैं, यहाँ पर आप देखो एक्स के पावर में टेन, वाई के पावर में फाइव, तो है हमारे पास ये पॉलिनोमियल जरूर है, लेकिन ये हमारा, मैंने आपको भी क्या सिखाया कि वेरिएबल्स भी होते हैं। वेरिएबल किसको बोलते हैं, एक्स वाई जेड को वेरिएबल बोलते हैं, और क्वेश्चन हमसे बोला था कि वन वेरिएबल होना चाहिए, तो यहाँ तो दो वेरिएबल हैं, एक्स और वाई अलग अलग वेरिएबल हो गए, तो इस वजह से ये हमारा लीनियर इक्वेशन का, सॉरी लीनियर बोल रहा हूँ यार बार बार, पॉलिनोमियल तो है, लेकिन क्या है कि ये हमारे पास दो वेरिएबल्स के साथ पॉलिनोमियल हो गया ना, तो ये नहीं कहलाएगा, हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। तो इस तरीके से आपको आइडेंटिफाई करना है, आइडेंटिफाई भी आप लोगों को बहुत सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करोगे ना, तब आपके दिमाग में अच्छे से बैठेगा कि कौन सा पॉलिनोमियल है और कौन सा नहीं। नहीं तो आप सॉल्व करने बैठोगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, सॉल्व नहीं करना है ना, इसको समझना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन बनाते हैं। अभी मैंने आपको जो समझाया है ना, अब उसका टेस्ट लेने का टाइम आ गया है, आपको मैं देखता हूँ कि आपको कितना समझ में है पिछले क्वेश्चन से। यहाँ पर बताना है आपको कि इनमें से कौन सा पॉलिनोमियल होगा, एकदम ईमानदारी से आप लोग अपने दिल में सोच लेना, क्योंकि मैं तो अभी समझाने वाला हूँ ही, बस आप लोग देख करके बता दो कि आपके मन में कौन सा आ रहा है, कौन से पॉलिनोमियल होना चाहिए। ठीक है, अब तक आपने सोच लिया होगा, अब मैं आपको बताता हूँ। देखो सबसे पहले तो यहाँ पर डिनोमिनेटर में एक्स आ गया, तो ये हमारा पॉलिनोमियल नहीं होगा, खत्म खेल इसका। यहाँ भी डिनोमिनेटर में एक्स आ गया, ये भी पॉलिनोमियल नहीं होगा, क्योंकि हम जानते हैं कि उसे जब ऊपर लेके जाएंगे तो वो माइनस वन बन जाएगा डिनोमिनेटर वाला एक्स। उसके बाद ये रूट के अंदर आ गया तो ये भी हमारा पॉलिनोमियल नहीं होगा। बचा कौन सा, ये माइनस का फोर बचा। तो हमने जो भी पढ़ा था ना, ऐसा पॉलिनोमियल जिसका क्या हो, डिग्री कितना हो, जीरो हो,
तो ये -4 ऐसा पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री 4 है। आप लोग ये मत सोचना कि एक्स वाई जेड लिखा हुआ है तो वही केवल पॉलिनोमियल होता है, ऐसा नहीं है। हमारे पास कांस्टेंट पॉलिनोमियल भी होते हैं, इनको कांस्टेंट पॉलिनोमियल कहा जाता है। 4 हो गया, -4 हो गया, 3 हो गया, 2 हो गया, रूट वाला नंबर कोई सा हो गया, ये सब हमारे कांस्टेंट पॉलिनोमियल होते हैं। ठीक है, तो ये जो है हमारे पास ये एक पॉलिनोमियल है। बाकी सब आप लोगों को दिख रहे होंगे कि एक्स वाई जेड है यानी एक्स लगा हुआ है सब में, तो वो पॉलिनोमियल है, जबकि ऐसा नहीं है। -4 हमारा एक पॉलिनोमियल है ना। तो ये सब बेसिक कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होने चाहिए, तभी आपके एग्जाम में जो नंबर है ना बहुत अच्छे से आएंगे। अदरवाइज फिर आप लोग कंफ्यूज रह जाओगे इसी क्वेश्चन में, एक नंबर के क्वेश्चन में बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो टाइम वेस्ट एग्जाम में जो है ना बिल्कुल मत करना। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन बनाए। एक और मजेदार क्वेश्चन आ गया यहाँ पर, पूछा जा रहा है हमसे कि बताइए जो √3 है उसकी डिग्री कितनी है। हमने अभी क्या सीखा कि कोई भी कांस्टेंट पॉलिनोमियल हो, कांस्टेंट पॉलिनोमियल मतलब कि एक्स एक्स वाई जेड बोलो, सॉरी 1 2 3 4 कुछ भी हो, माइनस का कोई नंबर हो या कोई रूट वाला नंबर हो, उसको कांस्टेंट पॉलिनोमियल बोला जाता है। उस तरीके से जो √3 ये भी हमारा क्या है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल है। और इसकी डिग्री कितनी होगी, तो कोई भी कांस्टेंट पॉलिनोमियल हो उसकी डिग्री 0 होती है। जैसा कि मैंने आपको शुरू में भी समझाया था, वहां पर हमने 4 लिया हुआ था, यहाँ पर अगर मान लो मैं √3 ले रहा हूँ तो √3 की डिग्री चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, इसका मल्टीप्लाई कर देंगे एक्स के पावर में 0 से। तो ये हो जाएगा आपका √3 मल्टीप्लाई 1 यानी कि √3 आ जाएगा। इट मीन्स √3 का जो वेरिएबल था साथ में वो एक्स था, और एक्स की जो हाइएस्ट पावर है वो 0 है। इसका मतलब ये होगा कि √3 की जो डिग्री होगी वो 0 होगी। इज दैट क्लियर? तो कोई भी कॉन्स्टेंट पॉलिनोमियल आ जाए उसकी डिग्री जो है हमारी 0 ही होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये जो है ना जीरो ये आपके बुक में दिया हुआ है अलग से। आप एनसीईआरटी के बुक पर लो, इसे बुक पर लो, तो स्पेशली मार्क करके दिया हुआ है इस साल, जबकि बहुत सारी चीजों को रिड्यूस किया गया और इसको स्पेशली बढ़ावा दिया गया है कि भैया ये बताओ कि जो डिग्री होता है जीरो पॉलिनोमियल का वो कितना होता है। तो जीरो पॉलिनोमियल किसको बोलते हैं पता है आप लोगों को? जीरो पॉलिनोमियल बोलते हैं जीरो को। जीरो पॉलिनोमियल किसको बोलते हैं? जीरो पॉलिनोमियल बोलते हैं हम लोग जीरो को। और जीरो की जो डिग्री है वो आज तक डिफाइन नहीं की जा सकी है। ये ध्यान रखना कि अगर हमारे पास कोई भी कांस्टेंट पॉलिनोमियल आता है तो उसकी डिग्री हम लोग क्या बता सकते हैं, उसकी डिग्री हम लोग जीरो बता सकते हैं। लेकिन अगर जीरो पॉलिनोमियल आ रहा है तो उसकी कोई भी डिग्री नहीं है, इसकी डिग्री जो है ना नॉट डिफाइंड लग जाएगी। तो ये चीज आपको दिमाग में रखना है। इनमें से एक क्वेश्चन जरूर आएगा, देख लेना आप लोग, मैं गारंटी के साथ बता रहा हूँ कि आपके पास या तो जीरो पॉलिनोमियल वाला क्वेश्चन आएगा कि बताइए जीरो पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी है, तो नॉट डिफाइंड हो जाएगा, या फिर कोई भी एक कॉन्स्टेंट पॉलिनोमियल दे देगा 1 2 3 4 और पूछा जाएगा बताइए इसकी डिग्री कितनी है, और आपको उसमें गेस करना रहेगा। ठीक है, तो आई होप आपको ये दोनों चीजें अब समझ में आ गई होंगी। एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के पास आ जाते हैं। यहाँ पर आपको फिर से उसी टाइप से क्वेश्चन दिया जो मैंने आपको शुरू में समझाया था। इसमें हमसे क्या बोल रहा है कि पी एक्स का वैल्यू अगर इतना हो तो बताइए पी √2 का वैल्यू कितना होगा। कुछ नहीं करना है, केवल √2 का जो वैल्यू है ना वो यहाँ पर आपको पुट कर देना है। देखो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। हमसे बोल रहा है कि पी एक्स कितना है भाई, तो पी एक्स की वैल्यू जो है वो है एक्स स्क्वायर माइनस में √2x और फिर प्लस में 1 है। ठीक है, आपको क्या करना है भैया कि ये जो हमारे पास एक्स है उसके बदले में √2 पुट कर देना है। इसमें बस रूट की वजह से बच्चे लोग थोड़ा सा गलती कर देते हैं, बाकी क्वेश्चन बहुत आसान है। बस सिंपली आप क्या कीजिए कि यहाँ पर एक्स का स्क्वायर है ना, तो वहां पर आप √2 का स्क्वायर कर दीजिए, माइनस में √2 पहले से है और उसके बाद मल्टीप्लाई में एक्स है, तो फिर से आपको वहां पर √2 करना पड़ेगा एक्स के बदले में और प्लस में 1 आ जाएगा। और यहीं से आपको आंसर निकाल देना है। कैसे निकलता है अभी वो देख लो। तो सबसे पहले तो 2 का स्क्वायर होगा 4। ठीक है, ये जो 2 है इसका स्क्वायर 4 हो जाएगा, और जो √2 है उसका स्क्वायर 2 हो जाता है। कभी भी कोई भी जो नंबर है ना अगर वो रूट के अंदर है, मान लो कि जैसे हमारे पास √5 है, और √5 का अगर स्क्वायर लिखा हुआ है तो इसका मतलब क्या होगा, √5 मल्टीप्लाई √5, और जब इस तरीके से आ जाता है इस समय वो रूट से बाहर निकल जाता है और ये 5 बन जाता है। तो यही चीज यहाँ पर भी होगा कि जो √2 था उसका भी स्क्वायर है तो वो 2 बन करके बाहर निकल जाएगा, और इन दोनों के बीच में कोई भी साइन नहीं है, एक मल्टीप्लाई की साइन छुपी हुई है। उसी तरीके से इधर भी होगा, देखना यहाँ पर ना 2 2 जो आपका 4 हो जाएगा, ये 2 का 2 से मल्टीप्लाई होकर 4 आ गया, और √2 का √2 से मल्टीप्लाई होगा तो ये हमारा 2 बन जाएगा। लास्ट में जो प्लस का 1 है वो एज इट इज उतार दो। अब यहाँ पर क्या हो गया भैया, तो ये हो गया आपका 8 माइनस में 8 और प्लस में 1, ये प्लस 8 माइनस 8 कैंसिल, जो प्लस का 1 है वो बच गया और वही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। सो इसका ऑप्शन कौन सा है भाई, प्लस 1 वाला, ऑप्शन नंबर बी है। इट मीन्स ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। तो ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में जरूर आता है जहां पर आपको एक्स का कुछ वैल्यू दे दिया रहेगा और खास करके रूट वाला वैल्यू दे देगा, ताकि थोड़ा सा बच्चों को मुश्किल लगे सॉल्व करने में, और सॉल्व करके आपको पूछ देगा कि भैया बताइए उसका वैल्यू कितना होगा जब हम लोग इक्वेशन में पुट करेंगे। तो इस तरीके से आपको उसके वैल्यूज को फाइंड करना है। आई होप ये भी क्वेश्चन क्लियर होगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के पास। इस चैप्टर का एक बहुत ही बेसिक सा कॉन्सेप्ट और बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है फैक्टर थ्योरम। फैक्टर थ्योरम आपको इस बार पढ़ने को है, पिछले साल तो आपके पास रिमाइंडर थ्योरम भी था, इस बार रिमाइंडर थ्योरम को हटा दिया गया है। फैक्टर थ्योरम में होता है क्या वो समझो, कि जैसे कि हमारे पास कोई भी नंबर दिया हुआ है और बता देगा कि ये इसका फैक्टर है, और
बोलेगा कि अगर ये फैक्टर है तो बताइए के का वैल्यू कितना होगा, या फिर अगर ये फैक्टर है तो बताइए कि एक्स का वैल्यू कितना होगा, वाई का वैल्यू, कुछ भी दे दिया रहेगा आपको, मैक्सिमम के का वैल्यू दिया रहता है। इस टाइप से क्वेश्चन आता है, जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ है क्वेश्चन कि अगर एक्स प्लस वन इज अ फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल 2x² प्लस में के एक्स, देन के इक्वल टू कितना। ठीक है, पॉलिनोमियल क्या है, पॉलिनोमियल हमारे पास है 2x² प्लस में के एक्स, ये हमारा पॉलिनोमियल है। इस पॉलिनोमियल के हम लोग नाम रख देते हैं, चलो लेट करके लिख देते हैं कि भाई जो पॉलिनोमियल है उसका नाम पी एक्स है। नॉर्मली आपने देखे ही होंगे पॉलिनोमियल नाम पी एक्स रखा जाता है। ठीक है, तो हमने इसका नाम भी पी एक्स रख दिया। अब क्या बोल रहे हैं कि हमारा एक्स प्लस वन फैक्टर है। बच्चों के एक छोटा सा कंफ्यूजन रहता है, मैंने जब अंतिम बच्चे पढ़ाया तो वहां पर ही मैंने देखा था, कुछ बच्चों ने बताया था कि सर अगर आप यहाँ पर से एक्स का वैल्यू निकाल करके पुट कर रहे हो तो आप -1 पुट कर रहे हो, लेकिन जो पिछला वाला क्वेश्चन था जहां पर हमने डायरेक्ट जो एक्स का वैल्यू था वो पुट कर दिया, जैसे कि देखो अगर इसमें मुझे एक्स का वैल्यू पुट करना है ना तो मैं यहाँ पर एक्स का वैल्यू निकालूंगा, मैं इसको ऐसे लिखूंगा कि इफ एक्स प्लस वन इज अ फैक्टर, एक्स प्लस वन क्या है, एक फैक्टर है, इसका मतलब ये हुआ कि एक्स प्लस वन इक्वल टू जीरो होगा और यहां से एक्स की जो वैल्यू होगी वो -1 होगी। तो बच्चे को डाउट क्या था वहां पर, मैंने देखा था अंतिम बैच में कि उनको ये समझ में नहीं आ रहा था कि सर हम लोग एक्स का वैल्यू कब नॉर्मल जो दिया हुआ है क्वेश्चन में वो पुट करेंगे और कब हम लोग उसका वैल्यू जो है इस तरीके से निकाल करके पुट करेंगे। तो देखो बहुत ही बेसिक सा फंडा है, अगर पहले से बोल दिया रहे कि जो रूट है या जो जीरो है वो इतना है, जैसे मान लो कि दिया हुआ है 2√2 या फिर दिया हुआ है 4 या दिया हुआ है 5, 5 जो है वो पॉलिनोमियल का जीरो है या 5 जो है वो पॉलिनोमियल का रूट है, तो आप उस कंडीशन में केवल 5 को डायरेक्ट पुट कर देना है एक्स के बदले में। और अगर फैक्टर दिया हुआ रहे ना तो वहां से आप लोग क्या करोगे, रूट निकालोगे। ये जो मैंने अभी -1 निकाला है ना, ये क्या है, इस पॉलिनोमियल का एक रूट है। इज दैट क्लियर। तो जब आप रूट निकालोगे या जो जीरो, जिसको हम लोग जीरो बोलते हैं, जो शुरू में आप लोग जीरो पढ़े ना उसी को रूट भी बोला जाता है, मैंने शुरू में समझाया था आपको, जीरो एंड रूट में कंफ्यूज मत होना। तो जो हमारा जीरो है यानी कि जो रूट है हमारा -1, जब मैं इसको यहाँ पुट करूंगा ना तब मेरा सही आंसर आएगा। और अगर आप डायरेक्ट इसको एक्स प्लस वन दिया हुआ है तो आप अगर +1 यहाँ पर पुट कर दोगे तो आपका आंसर सही से नहीं आएगा, गलत आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा क्या निकला, यहाँ से रूट निकल गया। अब मैं लिखूंगा कि जब हमारा एक्स का वैल्यू -1 निकल गया है तो पी एक्स जो था उसके बदले मैं पी -1 लिख देता हूँ, और फिर इधर भी हम लोग के पास जो आंसर आएगा वो जीरो आ जाएगा। कभी भी जब हम लोग रूट का वैल्यू पुट करते हैं, आपने पहले क्वेश्चन में देखा था ना कि जब भी मैं, जैसे वहां पर बोला था ना कि जीरो है ये, वन जो है वो जीरो है और टू जो जीरो है वेरीफाई कीजिए, तो हमने जब 1 को भी वैल्यू रखा था तो भी मेरा आंसर जो है जीरो आ गया था पूरा इक्वेशन का, और जब मैंने 2 भी पुट किया तो भी मेरा कट पिट करके लास्ट में जीरो आ गया था। उसी तरीके से जो हमने यहाँ पे जीरो निकाला है या जो रूट निकाला है कह सकते हो, इसको जब मैं एक्स के बदले में लिखूंगा ना तो भी मेरा आंसर क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, इक्वल रूट से जीरो लग जाएगा। तो जब आप लोग एक्स का वैल्यू यहाँ पर -1 पुट करोगे तब इक्वेशन के दूसरे तरफ इक्वल टू जीरो जरूर लिखना, तब फिर आपका जो के का वैल्यू है वो निकल करके आएगा। तो हमारा इक्वेशन क्या है, हमारा इक्वेशन है 2x². ठीक है, यानी कि हम लोग डायरेक्ट यहाँ पर एक्स के बदले में वैल्यू पुट कर देता हूँ, 2 -1² प्लस में के एक्स है तो के मल्टीप्लाई -1 हो जाएगा। तो हमने क्या किया, जो पॉलिनोमियल था उसमें हमने यहाँ पर रूट का जो वैल्यू है जो जीरो है वो हमने फिट कर दिया, यहाँ पर पुट कर दिया। तो इसका मतलब ये होगा कि जब रूट का वैल्यू पुट कर दोगे तो इक्वल टू ये जीरो हो जाता है। हमने देखा था ना पहले क्वेश्चन में कि जब हम लोग एक्स का वैल्यू पुट कर दे रहे थे, जीरो जो है वो पुट कर दे रहे थे तो आंसर जीरो आ रहा था। तो बस यहाँ पर भी जब आप ऐसे वैल्यू को रखोगे तो इक्वल टू जीरो लिख देना। ओके, अब आप इसे सॉल्व करो और आपका के वैल्यू आ जाएगा, ये -1 का जो स्क्वायर है +1 बन जाएगा, माइनस मल्टीप्लाई माइनस इक्वल टू प्लस, फिर 2 1 2 हो जाएगा, के का -1 से मल्टीप्लाई हुआ तो माइनस के हो जाएगा, और इक्वल की उस साइड में जीरो है, मुझे तो के का वैल्यू चाहिए, मैं के को उधर ले जाता हूँ, इधर माइनस में उधर जाकर के प्लस में हो जाएगा, तो 2 इक्वल टू के आ जाएगा, और यही इसका आंसर हो गया। के इक्वल टू 2 लिखो या 2 इक्वल टू के लिखो, बतिया एक ही है। तो जो आपका ऑप्शन नंबर सी है ना 2, ये इसका सही ऑप्शन है। तो ये चीज हम दिमाग में फिट कर लो कि अगर हमको फैक्टर दिया हुआ है तो फैक्टर से पहले रूट निकालते हैं तो साइन चेंज होता है, अगर यहाँ पर -1 दिया रहता है तो इधर जाकर के वो +1 बन जाता है, और अगर पहले से क्वेश्चन ने बोल दिया है कि ये हमारा रूट है या ये हमारा जीरो है तब आपको अलग से कुछ नहीं निकालना है, जो भी वैल्यू दिया हुआ रहेगा उसको डायरेक्ट पुट कर देना है। ओके, चलिए जो अगला क्वेश्चन है उसे बनाएंगे। आपने क्लास 8 में फैक्टराइज करना तो सीखा ही होगा, बस उसी को यहाँ पर यूज करो और इस क्वेश्चन को आराम से सॉल्व कर लो। इसमें हमसे बोल रहा है कि द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल पी एक्स इक्वल टू 2x² प्लस 5x - 3r, यानी ये जो पॉलिनोमियल है ना इसके जीरो कितने कितने हैं, कौन से जीरो होंगे। तो ध्यान रखना कि कभी भी जब हाईएस्ट पावर 2 रहता है ना बेटा तो वहां पर 2 जीरो निकलते हैं उसके, अगर हाईएस्ट पावर 3 है तो 3 जीरो निकलेंगे, अगर हाईएस्ट पावर 1 है तो केवल 1 जीरो निकलेगा, ये ध्यान रखना आप लोगों को। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पर से 2 जीरो कैसे निकालेंगे, फैक्टराइज कर देते हैं इसको। हमारे पास दिया हुआ है 2x² प्लस में 5x और माइनस में 3, ये क्वेश्चन दिया हुआ है।
बीच वाले टर्म को स्प्लिट कर दो, आप लोगों को याद है ना स्प्लिट करना रहता था, कैसे स्प्लिट करना है, तो इन दोनों के प्रोडक्ट के बराबर आना चाहिए। तो यहाँ पर हमारे पास थ्री और यहाँ पर टू है, तो थ्री टू जा सिक्स हो जाएगा, यानी कि बीच वाले को कुछ इस तरीके से लिखना है कि उसका वैल्यू चेंज ना हो, 5x का 5x ही रहे, प्लस के साइन के साथ है तो प्लस का साइन ही रहे, तो जब हम लोग मल्टीप्लाई करें ना तो हमारा सिक्स आना चाहिए, क्योंकि लास्ट वाले का और फर्स्ट वाले का जो मल्टीप्लाई है प्रोडक्ट जो है वो सिक्स है। तो इसको ऐसे लिखो आप लोग, देखो 2x का स्क्वायर हो गया, ये हो जाएगा हमारा प्लस में 6x और माइनस में 1x, तो 6x में से 1x जब माइनस करेंगे तो हमारा 5x ही आएगा, आएगा ना। और ये जो 5x है प्लस में है, तो यहाँ पर 6x इसीलिए हमने प्लस में लिखा था ताकि बड़े बड़े नंबर में जो साइन रहता है वही साइन उतर जाता है, तो 6 1 6 भी हो जाएगा हमारा, यानी कि इन दोनों के प्रोडक्ट के बराबर भी आ जाएगा और वैल्यू भी चेंज नहीं होगा, जो 5x है वही रह जाएगा। और ये हो गया हमारा माइनस का 3। अब बस हमने जब स्प्लिट कर लिया तो कॉमन लेना बचा, इन दोनों में से क्या कॉमन मिल रहा है, तो देखो यहाँ भी 2 है यहाँ 6 है, तो दोनों में से 2 कॉमन ले सकते हैं, तो दोनों में से 2 कॉमन ले लो। यहाँ पर भी x है यहाँ भी x है, तो दोनों में से x भी बाहर निकाल दो, इसमें से क्या बच गया, तो इसमें से x बच गया क्योंकि हमने 2x तो बाहर निकाल दिया था लेकिन x का स्क्वायर था। उसी तरीके से यहाँ पर क्या बच गया, तो यहाँ पर 3 बच गया क्योंकि 2 3 जा ही 6 होता है और ये जो x है वो उतर जाएगा। इन दोनों से क्या कॉमन मिल रहा है, तो इन दोनों में से -1 कॉमन निकाल लो, जब कहीं भी कुछ सेम चीजें कॉमन नहीं मिलती है तो वहां पर 1 हमेशा कॉमन मिल ही जाता है। तो लोग -1 क्यों कॉमन निकाल रहे हैं वो भी आपको समझ में आएगा, जब मैं यहाँ से -1 निकालूंगा तो ये जो मेरा -1 है ना वो क्या हो जाएगा +1 में कन्वर्ट हो जाएगा, और ये मेरा जो एक्स है वो एक्स रह जाएगा। ठीक है, +1x भी लिख सकते हो या फिर उसको डायरेक्ट आप लोग एक्स लिख सकते हो, यहाँ पर मैं डायरेक्ट इसको एक्स लिख देता हूँ। ठीक है, मैं डायरेक्ट क्या करता हूँ एक्स लिख देता हूँ, तो आपको समझ में आएगा कि -1 के एक्स से मल्टीप्लाई होगा कि -x आता है। और उसी तरीके से मैं यहाँ पर प्लस का 3 लिख दूंगा, तो -1 के मल्टीप्लाई जब 3 से होगा तो माइनस का 3 आ जाएगा, माइनस प्लस माइनस। और इससे फायदा ये हुआ कि यहाँ भी एक्स प्लस 3 आ गया और यहाँ भी एक्स प्लस 3 आ गया, तो जब हमारे पास एक्स प्लस 3 आ गया तो इसको ऐसे लिखो आप लोग एक्स प्लस 3, और ये हो जाएगा आपका 2x माइनस में ये वाला 1। ठीक है, ये 2x और ये माइनस का 1 उतर गया, तो ये दोनों जो है इसके फैक्टर हैं। और हमसे क्या बोल रहा है, फैक्टर पूछा है क्या, हमसे तो फैक्टर पूछा नहीं है, हमसे पूछ रहा है बताइए जो जीरो होंगे वो कितने होंगे। तो मैंने आपको क्या सिखाया कि जब फैक्टर हमको पता रहता है तो वहीं से हम लोग जीरो निकालते हैं, कैसे निकालते हैं, तो इक्वल टू जीरो करके निकालते हैं। जैसे कि एक्स प्लस 3 था तो x प्लस 3 इक्वल टू 0 कर दो, क्योंकि हमने सीखा ना पिछले क्वेश्चन में, मैंने क्या लिखा था पिछले क्वेश्चन में, देखो यहाँ पर कि अगर हमारे पास x प्लस 1 फैक्टर रहेगा तो x प्लस 1 इक्वल टू 0 होता है। तो उसी तरीके से यहाँ पर हमने ये क्या निकाले, दो फैक्टर निकाल दिए, तो x प्लस 3 इक्वल टू 0 हमारा हो गया, सो x का जो वैल्यू होगा वो माइनस का 3 हो जाएगा, यानी जो पहला रूट है जो पहला जीरो है वो माइनस 3 है। उसी तरीके से दूसरा वाला कितना था, तो 2x प्लस 1 था, तो 2x सॉरी माइनस में 1 था, 2x माइनस में 1 इक्वल टू 0, इसको भी लिख लो। तो यहां से आपका क्या बन जाएगा, ये जो माइनस 1 उधर जाकर प्लस 1 हो गया, तो 2x इक्वल टू प्लस 1 आ गया, और ये जो 2 मल्टीप्लाई में उधर जाकर के डिवाइड में हो जाएगा, सो x इक्वल टू 1 डिवाइड बाई 2 हो जाएगा, दूसरा वाला हमारा 0। तो ये x का वैल्यू 1 हो गया और ये 2 हो गया, यानी -3 एंड 1/2। ऑप्शन में दिया है क्या, बिल्कुल दिया है, देखो -3 दिया हुआ है और 1/2 दिया हुआ है, पहले उसको लिखा हुआ है, यानी कि ये वाला 1/2 को पहले लिख दिया है और -3 को बाद में लिखा है, तो कोई दिक्कत नहीं, दोनों सही चीज है, आगे भी आप लिख सकते हो। तो सो इसका जो ऑप्शन नंबर बी है ना वो करेक्ट ऑप्शन है। तो इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन भी कंप्लीट होगा जहां पर आपको जीरो पूछा गया था क्वेश्चन का। ठीक है, तो पहले फैक्टर निकालना है और फैक्टर निकालने के बाद आपको इसका जीरो निकाल देना है। क्लास 8 में आपने यहाँ से सॉल्व करना सीखा था, क्लास 9 का आपने यहाँ से सॉल्व करना सीख लिया, आई होप आपको ये चीज अच्छे समझ में आ गया होगा। अब एक लास्ट क्वेश्चन जो है बहुत ही मजेदार क्वेश्चन, आइए इसे सॉल्व करते हैं। देखो इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के किस वैल्यू के लिए पॉलिनोमियल पी एक्स इक्वल टू इतना एग्जैक्टली डिविजिबल बाई एक्स प्लस टू, यानी ये जो पॉलिनोमियल है वो एक्स प्लस टू से डिविजिबल हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन को थोड़ा सा बस घुमा के लिखा हुआ है, बाकी जो आपने पिछले क्वेश्चंस बनाया है ना ये उसी से रिलेटेड क्वेश्चन ही है। हमको वहां पर क्या बोला जाता था कि एक्स प्लस 1 एक्स प्लस 2 जो है ये पॉलिनोमियल का फैक्टर है, ऐसे बोला जाता था, और यहां पर उल्टा कर दिया है कि ये जो x प्लस 2 है ना उससे ये पॉलिनोमियल डिविजिबल है। तो इसका मतलब भी यही है कि x प्लस 2 इसका एक फैक्टर होगा। अब बोलोगे सर ऐसे कैसे आपको पता चल गया कि ये इसका फैक्टर होगा, तो मैं आपको समझा देता हूं। जैसे कि अगर मैं आपसे ये बोलूं कि भाई जो 12 है वो 4 से क्या है डिविजिबल है, 12 जो है वो 4 से डिविजिबल है, तो इसका मतलब यही होगा ना कि ये 4 जो है वो 12 का एक फैक्टर है। आपको 12 का फैक्टर आपको पता है कि नहीं पता है, 12 का फैक्टर कौन कौन सा होता है, 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है, 6 होता है, 12 होता है, तो वो सारे नंबर जो 12 को डिवाइड दे दें पूरा पूरा, यानी कि रिमाइंडर नहीं बचा है, तो उसको बोलते हैं एग्जैक्टली डिविजिबल। ठीक है, तो ऐसे नंबर को ही कहा जाता है फैक्टर। तो यहां पर जैसे हमारा 4 जो है
वो 12 का फैक्टर है क्योंकि 4 12 को एग्जैक्टली डिवाइड कर दे रहा है। उसी तरीके से जो x प्लस 2 है ना, वो भी क्या कर रहा है, इसको एग्जैक्टली डिवाइड कर दे रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि x प्लस 2 क्या होगा, एक फैक्टर होगा इसका। इसको मैं लिख भी देता हूं ताकि आपको जब नोट्स प्रिंट करो तो आपको समझ में आ जाए, याद आ जाए, रिविजन हो जाए तुरंत। एक्स प्लस 2 इज, या फिर इसको पूरा पूरा लिखते हैं कि जो पी एक्स है, पी एक्स का मैं पूरा वैल्यू नहीं लिखता हूँ, बस शॉर्ट में लिख देता हूँ, पी एक्स इज एग्जैक्टली एग्जैक्टली डिविजिबल बाई एक्स प्लस 2। ये एक्स प्लस 2 से एग्जैक्टली डिविजिबल है, इसका मतलब ये हुआ, इसलिए इसलिए लिख रहा था हिंदी वाला, इसलिए को मैं ऐसे लिख रहा था, देखो ना, इसलिए हमारा जो एक्स प्लस 2 होगा ना, वो क्या होगा, एक फैक्टर होगा। एक्स प्लस 2 इज अ फैक्टर। अब ये अगर एक फैक्टर हो गया तो उस कंडीशन में हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, एक्स का वैल्यू निकाल देंगे, यानी कि एक्स प्लस 2 इक्वल टू 0 लिख देंगे, और एक्स की जो वैल्यू है वो यहां से निकल जाएगी माइनस की 2। और जब एक्स का वैल्यू माइनस 2 निकल गया तो उसी वैल्यू को हम क्या करेंगे, इस पे पुट कर देंगे, यानी जो हमारा पॉलिनोमियल है उसे पुट कर देंगे, तो के की जो वैल्यू है वो निकल करके आ जाएगी। ठीक है, तो पॉलिनोमियल क्या है, 2x का क्यूब है, पी एक्स इक्वल टू 2x का क्यूब था, माइनस की साइन थी उसके बाद, उसके बाद क्या था भाई, के एक्स स्क्वायर प्लस में 3x प्लस में 10, के एक्स स्क्वायर प्लस में 3x और प्लस में 10, ये हमारे पास दिया हुआ पॉलिनोमियल है। और इसका जो रूट हमने निकाला अभी, यानी जो जीरो हमने निकाला, वो कितना निकाला, माइनस का 2 निकाल दिया। तो अगर मैं x के बदले में माइनस का 2 पुट करूंगा ना, तो इसको मैं इक्वल टू 0 लिख सकता हूँ, किसको, इस वाले पॉलिनोमियल को। तो चलो बस हम पुट कर देते हैं फटाफट, ये हो जाएगा 2, फिर ये हमारा हो जाएगा माइनस 2 का क्यूब, फिर माइनस का के है, फिर एक्स का स्क्वायर है तो माइनस 2 का स्क्वायर हो जाएगा, फिर प्लस में 3 है मल्टीप्लाई एक्स है तो मल्टीप्लाई में माइनस 2 हो जाएगा, प्लस में 10 इक्वल टू सेल में 0 आ जाएगा, क्योंकि हमने क्या किया, हर जगह पर जहां जहां एक्स था वहां वहां पर हमने इसका जो वैल्यू है वो हमने पुट कर दिया। अगर एक्स नहीं लिखा हुआ रहता, वाई लिखा रहता, तो हमने वाई के बदले में पुट करना है। ध्यान रखना है, कोई भी वेरिएबल हो, एक्स हो, वाई हो, जेड हो, कुछ भी लिखा हुआ रहे, आपको उनके बदले में ही क्या करना है, जो रूट है, जो जीरो है, उसका वैल्यू पुट कर देना है, और फिर इक्वल को साइड में जीरो लिख देना है। ठीक है, सो अब आपका आंसर कितना हो जाएगा, 2 का क्यूब हो जाएगा माइनस का 8, माइनस का 8 का 2 से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का 16 आ जाएगा। उसके बाद ये माइनस 2 का जो स्क्वायर है प्लस का 4 हो जाएगा, प्लस 4 का माइनस के से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस 4 के हो जाएगा। उसके बाद ये माइनस का 6 आ जाएगा, इन दोनों का मल्टीप्लाई होकर के, प्लस में 10 है, इक्वल को साइड में 0 है। ठीक है, सबसे पहले तो माइनस फोर के को मैं उधर भेज देता हूँ, प्लस फोर के बन जाएगा, बाकी इन लोग इधर सॉल्व करते रहता हूँ। तो यहाँ पर माइनस का 16 और ये जो माइनस का 6 है मिल करके बन जाएंगे मेरा माइनस का 22, प्लस में 10 रहेगा और इक्वल के उस साइड में प्लस वाला 4k हो जाएगा। k को मैं पॉजिटिव बनाना चाहता था इसलिए मैंने उधर भेज दिया, अगर आप नहीं भेजना चाहते हो तो भी बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, इधर ही रखो। उधर जाकर के यानी जब बाकी नंबर उधर भेजोगे ना, तो आंसर आपका लास्ट में निगेटिव में आएगा, तो माइनस और माइनस को कट कर देना तो भी आपका आंसर आ जाएगा, लेकिन मेरी आदत है कि मैं उसको पहले पॉजिटिव में बना देता हूँ, इसलिए मैंने उसको उधर भेज दिया। अब ये हो गया आपका माइनस का 12 यहाँ पर, और इक्वल के उस साइड में 4k है, वो तो k की वैल्यू चाहिए, तो k को इधर 4 को इधर ले आएंगे तो डिवाइड में हो जाएगा, क्योंकि वहां पर मल्टीप्लाई में था, इक्वल के उस साइड में केवल हमारा k बच जाएगा, तो 4 3 हमारा होता है 12, यानी कि -3 इक्वल टू k आ गया। k का जो वैल्यू होगा वो कितना होगा, -3 होगा, या फिर -3 इक्वल टू के लिखो, या के इक्वल टू -3 लिखो, बतिया एक ही है। सो कहाँ पर दिया हुआ ये ऑप्शन, ये ऑप्शन आपको ऑप्शन नंबर डी में दिया है, सो द ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन। आई होप आपको ये सारे के सारे जो क्वेश्चन अभी मैंने कराए हैं ये बहुत अच्छे समझ में आ गए होंगे। ये रूट वाले और जीरो वाले क्वेश्चन जरूर आते हैं, देख लेना एग्जाम में, इन क्वेश्चन में से जरूर ही जरूर एक क्वेश्चन जरूर फंसेगा आप एग्जाम में। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, आप चाहते हो कि मैं और भी चैप्टर्स किसी तरीके के वीडियोज बनाऊं, तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि आपको किस चैप्टर के वीडियो चाहिए, और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करना। मिलेंगे हम लोग किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।